हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? मैं हूँ विम्पी। सो गाइस, काफ़ी टाइम बाद आज मैं आप लोगों के साथ एक रिव्यू जो है वो शेयर करने वाली हूँ। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया, यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को पता लग जाएगा और आप मेरी किसी भी वीडियो को ना मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ मामा अर्थ की अंडर आई क्रीम। सो काफ़ी टाइम पहले मैंने इसे परचेज़ किया था, आई थिंक छः से सात महीने या पाँच छः महीने तो हो गए हैं इसे मैंने परचेज़ किया था पर्पल से। उनसे छः महीने पहले मैंने इसे परचेज़ किया था, तब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और अभी भी थोड़ा सा आई थिंक इसका जो क्वांटिटी है वो बचा हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा तो ख़त्म होने वाला था। मुझे लगा यार इसका रिव्यू फटाफट से अभी मुझे कर देना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसकी पैकेजिंग या नॉवल सब कुछ देखेंगे, उसके बाद मैं आपके साथ इसका जो है रिव्यू वो शेयर करूँगी। हाँ जी गाइज, तो ये है मामा अर्थ का अंडर आई क्रैम विद क्यूकम्बर एंड कॉफ़ी फॉर डार्क सर्कल्स। ओके, सो गाइज, ये जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है इसकी आउटर पैकेजिंग। ठीक है, जैसे ही मैं इसको खोलती हूँ इसमें से निकलेगी इसकी इनर पैकेजिंग, जो कि कुछ इस तरीके से नज़र आती है। सॉरी, ये देखें, ये है इसकी इनर पैकेजिंग जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, पंप पैकेजिंग के साथ है। मैं तो मतलब इसकी इनर पैकेजिंग जो है देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी, बहुत ही अच्छी है। पंप के साथ है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप इसकी क्वांटिटी को जो है ना आराम से मेजर कर सकते हो, इससे ज़्यादा मतलब बाहर नहीं आती इसकी जो क्वांटिटी है। ठीक है, और ये है इसका कैप। सबसे अच्छी बात ये है इस प्रोडक्ट की गाइस कि इसके अंदर मिनरल ऑयल या पैराबेंस वगैरह नहीं है। ठीक है, बायो एक्टिव्स के साथ आता है और ये सभी स्किन टाइप को सूट करता है फॉर पफी आइज। यार मुझे ना एक चीज़ थोड़ी अजीब सी लगी, इसके आउटर पैकेजिंग पे लिखा है फॉर डार्क सर्कल्स और इसके इनर पैकेजिंग पे लिखा है फॉर पफी आइज। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर देखें, थोड़ी सी अजीब मुझे यहाँ पे लगी, ये जो चीज़ मैंने नोटिस करी है अजीब सी लगी मुझे। या तो यहाँ पर दोनों चीज़ें लिखो या तो एक भी ना लिखो, ये क्यों मतलब ऐसा किया मुझे ये नहीं समझ में आया। कंपनी वाला जवाब दो यार नीचे कमेंट में। ठीक है गाइज, इसकी जो प्राइस है यहाँ पर आप देख सकते हो 599 रुपीज़, जो कि काफ़ी मतलब ओवर प्राइस मुझे लगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे ये प्रोडक्ट लगा। ठीक है गाइज, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा, जो इसके रिजल्ट्स हैं ना उस हिसाब से मुझे ये काफ़ी ज़्यादा लगा। इसकी जो रिव्यू है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, पहले हम पूरा अच्छे से इसके पैकिंग पे ऊपर ध्यान देते हैं। फिलहाल 50 ग्राम इसकी क्वांटिटी है और 599 रुपीज़ इन्होंने जो है प्राइस इसका रखा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे मतलब मेरे हिसाब से। बाकी वीडियोस क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मैं अपना यहाँ पर रिव्यू देने वाली हूँ। की इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर सभी के सभी दिए हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्वा, ग्लिसरीन और भी काफ़ी हैं, बटर, ऑलिव ऑयल, शेया बटर, वाइटामिन ई, लैक्टिक एसिड और पता नहीं क्या क्या, व्हीट जम ऑयल और भी काफ़ी सारे साइंटिफिक नेम्स हैं जिसका भाई मुझे तो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा क्या लिखा है क्या नहीं, काफ़ी भारी भरकम से शब्द हैं। ठीक है, कैसे इसको यूज़ करना है, आपको पी साइज़ का अमाउंट लेना है इस क्रीम का और आपके रिंग फिंगर से अप्लाई करना है आपके अंडर आई एरिया पे। ठीक है, जेंटली मसाज करना है सर्कुलर मोशन में जब तक कि ये क्रीम आपके अंडर आई एरिया पर एब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है गाइज, अच्छा गाइज, इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है क्यूकम्बर और कॉफ़ी। ऑलराइट, चलिए मैं इसका ना आपको एक बारी टेक्सचर वगैरह जो दिखा देती हूँ, ये देखें, इसका जो टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है और ये बिल्कुल ऑफ वाइट जैसे कि होता है ना कलर येलोइश सा, वैसा इसका कलर है, बिल्कुल वाइट नहीं है और ये इजीली अब्जॉर्ब हो जाती है आपकी स्किन के ऊपर, है ना, देख सकते हैं आप। और इसका जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी भरकम खुशबू नहीं है इसका, आप यहाँ पर देख सकते हो, खुशबू तो खैर नहीं देख सकते बट हाँ टेक्सचर वगैरह आप इसका डेफिनेटली देख सकते हैं। तो चलिए गाइज, मैं अब आपको इसका जो ऑनेस्ट रिव्यू है ना वो मैं आपको देती हूँ।
सो गाइज, अब बात आती है मेरे ऑनेस्ट रिव्यू की। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ आई थिंक 5 से 6 महीने से, क्योंकि इतना टाइम इस रिव्यू को इसलिए हो गया क्योंकि मैं यार देख रही थी कि कभी तो ये असर करेगा क्रीम, मतलब कभी तो वो दिन आएगा कि ये क्रीम जो है असर करेगा मेरे डार्क सर्कल्स पर, बट ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हर एक चीज़ मैंने ट्राई करी है, मतलब ट्राई क्या, सब कुछ, जैसे कि 8 घंटे की नींद, जैसा कि इसके ऊपर लिखा हुआ है, हम 8 घंटे से ज़्यादा ही सो लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 8 साढ़े 8 घंटे तो होते ही हैं जब हम नींद लेते हैं अपनी। पानी तो मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा ढपती रहती हूँ, ठीक है, तो डार्क सर्कल्स पे कोई असर नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि दी आपकी डार्क सर्कल जो है पहले से थोड़े से फेड हुए हैं, थोड़े से फेड हुए हैं, लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, वो इसकी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। पिछले 2 हफ्तों से मैं कुछ ऐसी चीज़ ट्राई कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे डार्क सर्कल जो है वो थोड़े से फेड हुए हैं। क्या है वो चीज़, वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले गाइस मैं बता दूँ कि ये जो क्रीम है 600 रुपये का है, 199 रुपीज़ का है, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आप लोगों को ये ख़रीदना भी चाहिए, क्योंकि कोई असर नहीं हुआ इसका। इवन मेरी मदर इन लॉ ने भी इसे यूज़ किया कि हो सकता है यार मेरे आंखों के नीचे कोई गड़बड़ है, हो सकता है कि उन पर असर करे, उन पर भी असर नहीं किया। मतलब मुझे समझ में नहीं आता यार, मतलब ब्रांड कंपनी वाले कुछ भी लिख देते हैं, कुछ मेरा सच इस कंपनी से कोई ऐसा कुछ वास्ता नहीं है। इनकी मैं एलोवेरा जेल भी यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी है, दोनों एलोवेरा जेल मेरे पास हैं, टर्मरिक वाली भी और विदाउट टर्मरिक भी, दोनों ही बहुत अच्छी हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ। बट ये क्रीम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है गाइस, लाइक सीरियसली मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा है। तो अब बात करते हैं उस रेमेडी की, उस चीज़ की जो मैं पिछले लास्ट 2 हफ्तों से यूज़ कर रही हूँ। पहले काफ़ी पहले भी मैंने यूज़ की थी वो रेमेडी, लेकिन वो मैंने 2-3 दिन यूज़ करी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। बट ट्रस्ट मी, 2-3 दिन यूज़ करने के बाद भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं उसको डेली यूज़ करूँगी, ठीक है, डेली इन द सेंस एक दिन छोड़ के मैं उसको एक दिन ट्राई करती हूँ। तो पहले तो वो रेमेडी हम देख लेते हैं कौन सी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि उसे यूज़ कैसे करना है। सो गाइज, अंडर आई क्रीम ये कह लो या अंडर आई पैक बोल दो, जो भी बोलना बोलो, उसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक साफ सी कटोरी लेनी है, ठीक है, कोई भी मतलब गंदी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ना आपको चाहिए कॉफ़ी पाउच, मतलब आपके पास पाउच है पाउच, ठीक है, मतलब आपको थोड़ी सी कॉफ़ी लेनी है, ठीक है, ठीक है। तो गाइज इतनी सी हमको ना कॉफ़ी लेनी है, बहुत है, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है ये भी थोड़ी ज़्यादा है, तो सिर्फ इतनी सी हमको कॉफ़ी लेनी है, बहुत ज़्यादा मत ले लेना, नहीं तो यार वेस्ट करोगे चीज़, ठीक है। और उसके बाद हमें चाहिए आलमंड ऑयल, कोई भी आप आलमंड ऑयल ले लो, बट मेक श्योर कि प्योर होना चाहिए। पतंजलि प्रोडक्ट्स के ऊपर तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती हूँ, सिवाय एलोवेरा जेल के, तो वो आप मत लेना। मैं यहाँ पर रोगन बादाम यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो वो ही कर लेना, क्योंकि वो ही बेस्ट है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर आलमंड ऑयल ले रही हूँ, फ्यू ड्रॉप्स, ऑल राइट, कि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद ये मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है, ठीक है, बस देखो कितनी थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने लिया है, ये ना 4 आँखों के नीचे लग जाएगी, ये जो मैंने लिया है ना, ये 4 या 6 आँखों के नीचे लग जाएगी। उसके बाद अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। तो गाइज ये है वो पैक जो मैंने अभी बनाया था, आप चाहो तो इसे कॉटन से भी लगा सकते हो अपने आईज़ के इधर एरिया पे, या फिर आप अपनी इस वाली फिंगर को यूज़ करके भी आप लगा सकते हो, क्योंकि ये फिंगर बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होती है और ये जो एरिया है ना हमारा, ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो इसलिए आपको यूज़ करनी है ये वाली फिंगर, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे यूज़ करना है, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिया और ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ऐसे लगाने के बाद आपको थोड़ा सा ना मसाज करना है इसी फिंगर के साथ, राइट,
कुछ सेकंड्स के लिए आपको ऐसे मसाज करना है, उसके बाद 15-20 मिनट 25 मिनट भूल जाओ इस पैक को लगा के, इस आइस पैक को लगा के आप भूल जाओ कि आपने कुछ लगा भी रखा है, ठीक है। लगा रहने दो, एक अल्टरनेटिव डेज पे आप इसे यूज़ करें, ठीक है। 20-25 मिनट आप इसे लगाओ, लगाने के बाद आप इसे वॉश कर दो। डेफिनेटली गाइज आप देखोगे आपके अंडर आइज पे जो है फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप रात को नींद नहीं लेते हो, रात को मतलब लाइट ऑफ करके फ़ोन के साथ लगे रहते हो, पानी ज़्यादा नहीं पीते हो, कंप्यूटर के आगे बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हो, तो उससे हो सकता है कि फ़र्क ना पड़े, 1% हो सकता है कि फ़र्क ना पड़े। आपको कुछ चीज़ों का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, राइट। ये कोई जादुई छड़ी नहीं है कि घुमाया और हो गया। हालांकि मैंने इसे 5-6 महीने यूज़ किया, बट इसका तो कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ एमई ब्रांड है ये, तो ये डेफिनेटली आपको असर करेगा, लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो गाइज़ ये थी वो रेमेडी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ थम्स अप, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। जाते जाते गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर रिव्यू के साथ साथ होम रेमेडीज़, व्लॉग्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं। सो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।